सरकार ने विकलांग पेंशन योजना बनाई है ताकि विकलांग जनों का जीवन सही तरीके से गुजर सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि ललितपुर जनपद के वृद्धा ब्लॉक ग्राम पंचायत छिल्ला में कल्याण सहित 7 लोगों को 10 महीने से विकलांग पेंशन ना मिलने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं शंकर लाल और ये है मेरा समुदाय। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। कौन कौन? हम मियाँ बीवी विकलांग हैं, हमें एक लड़का है, 2 लड़कियाँ हैं। क्या दोनों की विकलांग पेंशन बनी हुई है? दोनों की बनी हुई है। अभी कब से नहीं मिली है? अभी 8-9 महीने हो गए। विकलांग पेंशन ना मिलने से क्या समस्या हो रही है? अब मेरा गुजारा नहीं चल पा रहा है, इसलिए पेंशन रुकी हुई है, तो कोई खर्चा मर्चा नहीं चल रहा है। पेंशन नहीं मिलती है तो कोई खाने को भी तरस रहे हैं। यही है कि बच्ची पढ़ती है, इसलिए उसको काफी किताबें लेना पड़ती है। क्या समस्या आपकी? जी का पेंशन नहीं आ रही, सो परेशान हो रहे, मोड़ी मोड़ा तरफ है, चाहे जो लेने आओ खर्चा नहीं चल रहा हो, ऐसे से पेंशन आ जाती, सो खर्चा चल जाता। काहे की पेंशन? विकलांग की। और क्या समस्या हो रही है? जी ये क्या आ जाती पेंशन तो खर्चा पानी चल जाए, तो मोड़ी मोड़ा में पढ़ाऊने हैं। आप क्या चाहते हो? पेंशन है, हमें चाहना है, पेंशन मिल जाती तो चल जाता खर्चा पानी। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कौन कौन? माता पिता और स्वयं। आपके परिवार का क्या चलता है? हमारा साहब 1 एकड़ जमीन थी, उसमें हम जोते भी नहीं है, कुल 20 डिसमल जोते हैं, पेंशन से हमारा खर्चा चलता था। कब से पेंशन मिल रही है आपको? हमको 2000 से मिल रही है सर। 2000 में कितनी मिलती थी? 150 रुपया। आप कितनी मिलती है? 300 रुपया। 300 रुपये कब से मिलना शुरू हुआ है? 300 रुपये 2004 से। अभी कब से पेंशन नहीं मिली आपको? अभी 1 साल से पेंशन नहीं मिली है। पेंशन ना मिलने से क्या परेशानी हो रही है? खर्चा ही चलेगा, पेंशन नहीं आएगी तो कहाँ से खाएंगे? आप क्या चाहते हो? हम पेंशन चाहते हैं, अपनी पेंशन मिले हमको, 1000 पेंशन मिलना चाहिए। 300 रुपया क्या होता है? बेरोजगारी भत्ता 1000 है, बेरोजगारी भत्ता से तो हम गरीब आदमी होता, विकलांग आदमी, महंगाई के हिसाब से सोचो आप, महंगाई 300 रुपया में हमारा पेट कैसे भर जाएगा महीने का? आप क्या चाहते हो? हम तब 1000 पेंशन चाहते हैं महीना की। मैं चाहता हूं कि कल्याण इनके साथ साथ 5 लोग भी और विकलांग हैं, जिनको नियमित विकलांग पेंशन ना मिलने से काफी समस्या हो रही है। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आप लोग ललितपुर के समाज कल्याण अधिकारी के मोबाइल नंबर पर फोन करके दबाव बनाएं और मेरी मदद करें, जिनका मोबाइल नंबर है 9450-8171-83। मैं शंकर लाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहर्ट के लिए।